गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड सबसे पहले अपने बात करते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर की रिवीजन के फॉर्म में। किस विभाग ने योजना 5-स्टार विलेज शुरू की है? सो राइट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया है? मेघालय। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां स्थान है। किस राज्य सरकार द्वारा गृह प्रवेश समारोह का आयोजन किया गया था? सो मध्य प्रदेश। स्वामी अग्निवेश, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, वो एक पॉलिटिशियन थे। जुल्फ़गार नेवी अभ्यास किस देश से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। मोदी की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर -11.5% रहेगी। और बच्चों के अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना। ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चंस जिनका रिवीजन अभी अपन लोगों ने किया है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से प्रजातियों की जो आबादी में औसतन कितनी कमी आई है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 68%। बाकी के जो ऑप्शंस है, जैसे कि बात करते हैं -23.9%। सो इंडिया की जो जीडीपी है एनओसी की रिपोर्ट के अनुसार, जो अप्रैल से जून की तिमाही की रिपोर्ट आई है जीडीपी, वो इंडिया की -23.9% रही है, जो कि अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने WWF के हेडक्वार्टर की। सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लेंड स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था WWF का 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। और जो प्रेसिडेंट है वो पवन सुखदेव जी है इंडिया के फॉर्म में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। अभी अपने कुछ दिनों पहले ही यही क्वेश्चन लिया था कि NEP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उसमें हम लोगों ने आंसर दिया था कर्नाटका, क्योंकि उसी टाइम हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू की ये न्यूज़ थी कि कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बनेगा NEP को लागू करने वाला पूरा इंडिया में। लेकिन वो लागू नहीं कर पाया और उसकी जगह हिमाचल प्रदेश ने उस कर्नाटका से पहले ही NEP पूरे स्टेट के अंदर लागू कर दिया। सो इसका ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि NEP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। बाकी के जो ऑप्शन है, यदि जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई स्कीम लॉन्च की गई है, जिसकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है पर प्लेट की, और जो कॉस्ट कस्टमर देता है वो 8 रुपीज़ देता है, बाकी के जो 12 रुपीज़ है वो राजस्थान गवर्नमेंट उसको वहन करती है। बाकी यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है वहाँ पर, गंदगी भारत छोड़ो। बाकी कर्नाटका की बात करते हैं, तो भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटका के अंदर ही स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात की है हिमाचल प्रदेश की। सो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये हिमाचल प्रदेश का दिखाया जा रहा है। यदि अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, सो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और उत्तराखंड हुआ, ये 4 स्टेट्स है जिनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी भी है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ, इनकी इसके साथ बाउंड्री टच होती है। बाकी इंटरनेशनल बाउंड्री की टच बात करते हैं, तो चाइना के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो शिमला है, और यदि विंटर की बात करते हैं तो वो धर्मशाला है। तो हिमाचल प्रदेश की इस तरह से 2 कैपिटल हुई है। फिर बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। सो जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर यहाँ के बंदारू दत्तात्रेय हैं। बाकी जो फॉर्मेशन हुआ था इस स्टेट का, पहले ये यूनियन टेरिटरी था जो 1 नवंबर 1956 को बना था, उसके बाद जो स्टेट का इसको दर्जा मिला 25 जून 1971 को मिला था। यहाँ की यदि हाइएस्ट पीक की बात करते हैं, तो रियो पुरगेली
नाम से एक हिल्स है जिसकी सबसे बड़ी हाइट है, और यहाँ पे एक राखरी नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि काफ़ी फेमस है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेशनल पार्क की। सो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, पिन वैली यहाँ पर प्रेजेंट है, किरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, इंद्रकलिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अभी आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि साइलेंट वैली जो है वो किसको कहा जाता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स में देंगे। बाकी फिर यहाँ की विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो 68 सीट्स प्रेजेंट है, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीट्स प्रेजेंट हैं। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश की। सो करंट न्यूज़ की यदि अपन बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पहला प्राइज हिमाचल प्रदेश ने जीता है, और 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का एक पुलिस स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन, जिसे इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्गों के लिए एक पंचवटी योजना शुरू की गई है जिसके अंदर वहाँ के जो रूरल और अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर पार्क्स को डिवेलपमेंट किया जाएगा, जिसके तहत बुज़ुर्ग अपने टाइम वहाँ पर बिता सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भारत का जो पहला साइकिलिंग पार्क है वो भी यहाँ पर मनाली के अंदर ओपन होगा। और इसी के साथ साथ कोविड-19 के दौरान जो भी पर्सन हिमाचल प्रदेश से बाहर स्टेट के अंदर रह रहे थे उनकी निगरानी के लिए एक निगाह कार्यक्रम वहाँ के आशा वर्कर के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक इंटरनेशनल लेवी फेयर है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की थी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। सो इसके बारे में यदि अपने कुछ बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है ये थर्ड टाइम लागू हुई है, इससे पहले ये 1960 के अंदर और सेकंड टाइम 1984 के अंदर लागू हुई थी। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी इसकी जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंजन जी थे। सो ये ध्यान रखिएगा कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंजन जी। ये क्वेश्चन अपने बनने के चांस हैं एग्ज़ाम के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 200 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य को पार किया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलायंस ग्रुप ने। अभी मार्केट वैल्यू जो है 200 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। बाकी यदि दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अडानी ग्रुप की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में सौर ऊर्जा को जनरेशन करने के मामले में फर्स्ट नंबर पर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, US ओपन 2020 का 140वां संस्करण 140th जो एडिशन है वो किसने जीता। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रियन प्लेयर है। और अभी तक के इतिहास में, US ओपन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो सेट तक ये पहले पीछे रहे हैं और उसके बाद इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता हो। अब यदि बात करते हैं, ये तो उन्होंने बात की थी मेंस कैटेगरी की। मेंस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जो जीता है वो जीता है डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रियन प्लेयर है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की, वुमेंस कैटेगरी के अंदर जो नवोमी असोका है जो कि जापान की रहने वाली है, इन्होंने ये टाइटल जीता है। इन्होंने नवोमी ओसाका जी ने विक्टोरिया रेका को हराया जो कि बेलारूस की रहने वाली है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव की तो ये जर्मन के रहने वाले हैं। सो ये था US ओपन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शहर एरो इंडिया 2021 की मेज़बानी करेगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। सो ये जो शो किया जाता है एरो इंडिया शो है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो होता है। इसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स जो होते हैं कुछ ना कुछ अपने कलाबाजियों को यहाँ पे शो किया जाता है। सो ये जो एरो इंडिया का शो होगा ये बेंगलुरु के अंदर होगा, और 3rd से 7th फेब 2021 जो ड्यूरेशन है उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। बाकी के जो ऑप्शंस है, जैसे उनकी बात करते हैं कि केरला की बात करें तो अभी एक लिटरेसी रैंकिंग आई है जिसके अंदर केरला स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन ली है, और उसी रैंकिंग लिस्ट के अंदर आंध्र प्रदेश सबसे नीचे की पोस्ट पे रहा है। फिर
फिर बात करते हैं मेघालय के बारे में। सो मेघालय ने अभी भारत का सबसे बड़ा पिगरी जो मिशन है उसको स्टार्ट किया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी आज के ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया है, सो इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं गुजरात के बारे में, सो गुजरात के अंदर बेसिकली एक रिपोर्ट पेश की गई है DPIIT डिपार्टमेंट के द्वारा। सो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस DPIIT का फुल फॉर्म है। ये जो रिपोर्ट पीस की गई है इसके अंदर जो गुजरात स्टेट है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इन्होंने कहा है कि जो स्टार्टअप रैंकिंग लिस्ट DPIIT के द्वारा पेश की गई है, जिसमें गुजरात जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड फर्स्ट एड। सो वर्ड फर्स्ट एड क्या होता है, बेसिकली जो अपने घरों के अंदर या कहीं पर भी जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसी की बात की गई है, उसकी अहमियत की बात की गई है कि इस अहमियत जो बॉक्स है उसकी क्या अहमियत होती है, उसके अंदर क्या क्या मेडिसिन अपने रख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। फिर यदि बात करते हैं जो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट एड जो डे मनाया गया, ये बेसिकली हर साल एवरी ईयर जो सितंबर का जो सेकंड सैटरडे होता है उसी को ये दिन मनाया जाता है। बाकी की यदि अपने बात करते हैं 10th सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे मनाया जाता है, 8th सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था और 5th सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेम डायना रिग कौन थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक्टर, ये ब्रिटेन की रहने वाली थी और इन्होंने जो गेम है द थ्रोन गेम उसके अंदर एक्टिंग की थी और इसी के साथ साथ जो एवेंजर मूवी आती है उसी के उसमें भी इन्होंने एक्टिंग की है। ये था आज का वीडियो, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जितना आप लोग कर सकते हो। बाकी जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण जी के विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन दिया गया इसको प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।